मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रविवार को सिविल अस्पताल परिसर हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने डॉक्टर मुखर्जी को भारत माता का महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अखंड भारत का स्वप्न दृष्टा बताया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान के मुद्दे और भारत की अखंडता को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 23 जून 1953 को अपना बलिदान दिया था। देश 1947 में आजाद हुआ और 1950 में संविधान लागू किया गया। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़कर राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी उस समय उद्योग व खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन सरकार की मंशा को ध्यान में रखकर उन्होंने पद छोड़ दिया और देश की प्रतिष्ठा व अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें प्राण भी त्यागना पड़ा। कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान की भावनाओं को सम्मान करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की एनडीए सरकार ने किया है। यह कश्मीर देश की अखंडता और सीमा की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वालों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है, 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुछ प्रयास किया था। तत्कालीन सरकार की इन मंशाओं को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ करके देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें अपने प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार ने किया है, यह उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने कश्मीर के लिए
देश की अखंडता के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उन सभी के प्रति एक श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान शिक्षाविद, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस पावन बलिदान दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, महापौर सुषमा खरकवाल, विधायक योगेश शुक्ल, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह, रामचंद्र प्रधान, लालजी निर्मल, अवनीश सिंह, मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने लिखा कि महान राष्ट्रभक्त, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, उत्कृष्ट शिक्षाविद, राष्ट्रवादियों के मार्गदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। भारत की एकात्मता और अखंडता के लिए समर्पित उनका संपूर्ण जीवन एवं बलिदान देशवासियों के लिए महान प्रेरणा है। Thank you.